भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। महज सत्ता पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना उद्देश्य है। इसी को दृष्टिगत रखकर कार्यकर्ताओं ने सत्ता का परिवर्तन किया और अब उसी के कारण व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। ये बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़नगर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण जिले के दीपावली मिलन समारोह व सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला ने की। श्री पटेल ने कहा कि देश में 60 साल तक एक ऐसी पार्टी महात्मा गांधी के नाम पर चलती रही, लेकिन वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान व हर घर में टॉयलेट बनाकर सच्चे गांधीवादी होने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जब जब भाजपा सरकार में आई तब तब विकास हुआ है। ये मेहनती और स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए विचारों का होना जरूरी है। श्रेष्ठ विचार ही व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार के साथ कदम ताल करने के लिए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को लाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। कई इकाइयां यहां लगाने के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। फिरोजिया ने इस दौरान अपने कार्यकाल में स्वीकृति करवाई, आधा दर्जन सड़कों का भी जिक्र किया। जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। 2020 की सोयाबीन का बीमा 1 माह में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंच से घोषणा की है कि 2020 में जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी उसकी बीमा राशि 1 माह में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। ये राशि 7,000 करोड़ से अधिक है। इनमें सर्वाधिक राशि उज्जैन संभाग को मिलने वाली है। आयोजन में शामिल होने आई भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों का सम्मान मंच से उतर कर मंत्री कमल पटेल व जगदीश देवड़ा ने किया। मित्रों को दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज यहाँ पर उज्जैन ग्रामीण जिले का कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन भी था और दीपावली मिलन समारोह भी था। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष माननीय हमारे बहादुर सिंह जी और विशेष तौर से हमारे सांसद जी अनिल फिरोजिया जी और संगठन के हमारे पूर्व संगठन महामंत्री प्रदेश के आदरणीय माखन सिंह जी चौहान साहब और भी हमारे सभी कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित थे और आज काफ़ी बड़ा कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हुआ है। कार्यकर्ताओं का यह एक मिलन समारोह दीपावली का, जो कि ये निरंतर प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में ये निरंतर प्रक्रिया होता रहता है। विशेष तौर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि 15 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है। 15 तारीख जनजाति दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में उसको हम मनाने जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में उस दिन पूरे मध्य प्रदेश के हमारे अनुसूचित जनजाति के हमारे बंधु वहाँ पर आएंगे, राष्ट्रीय नेता भी वहाँ पर आएंगे और अनेक घोषणाएं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगी और जो काम वहाँ पर हुए हैं भोपाल में हबीबगंज स्टेशन वगैरह और भी जो काम हुए हैं उनका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी करेंगे और निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में अपार उत्साह है। प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर के बहुत अपार उत्साह है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री भोपाल जब आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सभी लोग वहाँ पर आए, ऐसा हमने अपील भी की है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट।